ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। बुलंदशहर जहांगीराबाद नगर पालिका में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में मौजूद चेयरमैन डॉक्टर सूरजबान माहुर व सभासदों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मीटिंग में चेयरमैन डॉक्टर सूरजबान माहुर ने सभी सभासदों से अपने अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। साथ ही उन्हें यह भी बताया कि जो वार्ड सबसे स्वच्छ पाया जाएगा उसके सभासदों को भी सम्मानित किया जाएगा। मीटिंग में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गठित प्रोत्साहन कमेटी को भी एक्टिव रहने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पालिका अध्यक्ष ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए एक मसौदा भी तैयार किया गया है, जिसके तहत सड़कों पर थूकने व खुले में शौच आदि करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू किया है, ये 2014 से शुरू हुआ है, लेकिन इसको क्रियान्वित अब हम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसमें जो एक हर वार्ड में कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी का ये काम हुआ सफाई को देखना, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, उसके लिए डस्टबिनों का इंतजाम करना, और सबसे ये अपील करेंगे वो घर घर जाकर कि अब वो कूड़ा अपने घर में इकट्ठा करें और जो हमारा सफाई वाहन रिक्शा वगैरह लेने आते हैं उसी में उसको डालें, बाहर घर के बाहर उसका ढेर ना करें। तो इस तरीके से मतलब शहर में बहुत अच्छी सफाई रहेगी और जो कूड़ा सड़कों पर ढेर हो जाता है उससे निजात मिलेगी, उसमें गंदगी, कुत्ते, गाय, ये दुनिया भर के वो उसको बिगाड़ते हैं, उसमें मच्छर पैदा, मक्खी पैदा होती है, उससे निजात मिलेगी और हमारा शहर स्वच्छ होगा। इसमें जुर्माने की व्यवस्था है, हमारा पूरा वो बन गया है इसमें प्रस्ताव, कौन किस पे कितना जुर्माना किया जाएगा, यहाँ तक कि मतलब सड़कों पर अगर कोई थूकेगा भी तो उस पर भी जुर्माना है, कोई खुले में पेशाब करेगा, लैट्रिन करेगा, उसके लिए भी जुर्माने का प्रावधान। उसकी निगरानी हमारी जो ये कमेटी बन रही हैं, समितियाँ बन रही हैं वार्ड वाइज, वो इसकी निगरानी करेंगी और हमारे उसमें कर्मचारी भी होंगे। एक हमारे जिले पर मतलब राणा जी हैं, वो पूरे जिले को देख रहे हैं, वो भी समय समय पर हमारे वार्डों में मीटिंग लेंगे, हर वार्ड में मीटिंग होगी, हर वार्ड में सफाई की दिशा निर्देश दिए जाएंगे, एक पत्रिका भी हमने छपवाई है दिशा निर्देश की। तो इस तरीके से हमको शहर को स्वच्छ बनाना है, भारत स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाना है और लोगों को जागरूक करना है सफाई। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर।